केदारनाथ बाबा मुझे दिखाई देंगे, दिखाऊं? देखो इसलिए बहुत ही तेज बारिश आ रही है और मैं अकेला हूँ, सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो दोस्तों जस्ट भाई अभी अभी नहा धो के तैयार और टाइम अभी का भाई 7:02 हो गई भाई, बारिश अभी भी नहीं रुकी है। ये देखो अब भी बारिश नहीं रुकी भाई। तो गाइस अभी तो हम सब लोग रेडी हो गए यात्रा के लिए, तो लेट्स गो, चलो चलते हैं फिर। अभी हमें रेनकोट लेना है और एक जर्सी लेनी है मुझे, तो लेट्स गो। रूम खाली करके बाय टाटा रूम रूम बाबू, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो दोस्तों देख लो हम किस जगह आए घर से, घर से देखो पहले मैप दिखो, पहले पूरा मैप ये है दोस्तों, ठीक है इंडिया का। अब हम इसे जूम करते हैं, हमारा घर है रेड वाला, रेड डॉट पे, और कहाँ पर है हमारा लाइव है हम यहाँ पे। ओ भाई यार, भैया कैलाश पर्वत पे वाले, ये देख बर्फ, यहाँ सारा आगे बर्फ ही बर्फ है, ये सारे रेनकोट लेने पड़ेंगे जो पन्नी से ओढ़ रहे। ऐसा डमरू बचाया। सो गाइस बस होटल से भी निकल रहे हैं और बारिश तो हो रही थी, तो बारिश हो रही थी तो हमें क्या करना है, हमें लेना है भाई रेन कोट। तो ये रहा रेन कोट, जी हाँ ये पीली पीली सी पन्नी, ये रेन कोट ही है जो मैंने पहन लिया। तो ये देखो मैं कैसा लगूंगा, अरे यार रुको टोपा ओढ़ लेता हूँ। जैसे मैंने भाई टोपा ओढ़ा, चश्मा मैंने ठीक किया, तो टोपा और ये पन्नी। तो दोस्तों ठीक है भाई, जस्ट अभी रेन कोट पहन लिया जैसे मैंने बताया, और अभी भाई बारिश से हम बिल्कुल बचेंगे, तुम देख लो मजा आ जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है वीडियो भाई पूरी बनेगी, व्लॉग देखना बढ़िया एकदम। तो ऐसा रेनकोट ऐसा नहीं कि मैंने पहना नहीं, ऐसा सब लोग ही पहने थे, मैं दिखाता हूँ रुको। ये देखो मामा, ये सब पूरे ग्रुप ने पहना, पूरे ग्रुप ने क्या जितने भी केदारनाथ की यात्रा करते थे बारिश में सब ऐसे ही पहनते। तो गौरीकुंड से भाई, गौरीकुंड से सीधा भाई अब यात्रा के लिए चल दिए हम, हर हर महादेव। मामा ये रे, सब लोग अब आपको एक जैसे लगेंगे, सब लोग, कोई मामा मामा कोई, सब सब लोग एक जैसे लगे, क्योंकि सब ने ये पन्नी सी ओढ़ लिया है और चले जा रहे हैं। नीचे गौरीकुंड है तो भी है, अब सीधा ऊपर। तो गाइस यहाँ से भाई केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है, जो कि हमें पैदल कवर करनी है, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर है। जी हाँ 16 किलोमीटर चढ़ना है और 16 किलोमीटर उतरना है। तो गाइस सब ने रेनकोट पहन रखे है, देखो मैं तो बड़े लग रहा हूँ। तो गाइस चलो चलते हैं फिर करते हैं। हर हर शंभु 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 शंभु। गाइस हम पैदल भी जा सकते हैं और भाई हम घोड़ों पे बैठ के भी जा सकते हैं और भाई हम हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, बट नहीं हमें ऐसा नहीं करना, हम तो पैदल जाएंगे, श्रद्धा से जाएंगे, दिल से जाएंगे, पैदल चढ़ेंगे ऊपर तक। क्या रेट है घोड़े का? गवर्नमेंट रेट है 2500 रुपये। 2500 रुपये चले। कितने रुपए? 2500 आने जाना, जाने जाने का। तो दोस्तों जस्ट हमारे पीछे बहुत सारे घोड़े खड़े हैं। सो गाइस इन घोड़ों पे भाई बैठ के लोग 16 किलोमीटर ऊपर चढ़ते हैं, केदारनाथ के भाई दर्शन करते हैं। तो ये मैं मामा को बोलूँ, तू मामा ये ठीक है? तो मामा बोल रहे थे कि भाई बस क्या होता है, ये ना खच्चर है, ठीक है। इनका जो प्राइस है ना, वो प्राइस है भाई 2500 रुपये, ठीक है 2500 रुपये में बस जाना जाना। हम ये सब घोड़े नहीं लेंगे दोस्तों। तुम एक बार बताओ, घोड़े खच्चर उनको जरूरत होती है जो बुढ़े बुढ़िया होते हैं, ठीक है भाई। इन जैसे लोगों को क्या जरूरत है, देखना लेडीज बैठी है, क्योंकि घोड़ों की इन जैसों क्या जरूरत है, अरे पैरों में दम होना चाहिए यार, दूर है फिर केदारनाथ आने का फायदा क्या? अगर आप घोड़ा लेके जा रहे हो तो केदारनाथ आने का फायदा क्या बताओ? चलो कर लो भैंस, कर लो ना भैंस भाई, भैंस वाली भैंस भाई। अगर तुम श्रद्धा से आए हो तो घोड़े का क्या मतलब है, फिर तुम्हारे फायदे ही नहीं है। ये एक बेचारा जानवर है बताओ, ये एक जानवर है, जानवर के ऊपर एक जानवर बैठ के जा रहा है, लेकिन हद है यार जानवर से। सर इसके थ्रू कितने बंदों का पेट भी पल रहा होगा, ये भी तो नोटिस करो। इसके थ्रू यार कुछ और काम कर लो, जरूरी है यही है यार, इतना सारा रोजगार है, इतना सारा काम पड़ा है। सर ये घोड़े क्यों ले जा रहे हो तुम, ठीक है यार बेचारा जानवर है भाई, 18-20 किलोमीटर आगे जाना, 18-20 किलोमीटर जाना भाई बहुत बड़ी बात है, एक जानवर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। मैं तो भाई बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ इससे, अगर आप एग्री हो तो भाई ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है दोस्तों। भाई पैदल जाओ, हर हर महादेव बोलते निकलो, कोई बात नहीं, लेट हो जाओगे, पैरों में दर्द हो जाएगा, कोई बात नहीं, जब भी तो पता लगेगा हाँ हम केदारनाथ तक गए थे। जय हो। ठीक है दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मौसम बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सर्दी का हो रहा है, ठीक है रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको। आओ
ये कुछ ऐसा रास्ता आपको मिलेगा अगर आप केदारनाथ जाओगे, आपको ऐसे चल के जाना पड़ेगा। आप भाई घोड़े भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है वो, मैं तो बोलूंगा ही नहीं। अगर आप चल नहीं सकते जब आप ले सकते हो, वरना भाई पैदल जाओ आराम से, अच्छी यात्रा होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पैरों में दम में चलते रहो, घोड़े की जिद मत कर दो कोई भी, घोड़े से नहीं जाना भाई। एक जानवर के ऊपर दूसरा जानवर बैठा है, क्या फायदा, उसकी जान निकल रही है बेचारे जानवर की। मैं तो एग्री नहीं हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ दोस्तों क्या है, ठीक है। तुम देख सकते हो पहाड़, अभी पहाड़ पे चले जा रहे हैं हम, चले जा रहे हैं। रास्ते कुछ ऐसे मिलेगा आपको, गड्ढे मिलेंगे, नीचे एक गोबर मिलेगा, जो ये गोबर है भाई ये घोड़ों ने गधों ने रखा है। जगह जगह आपको यहाँ पे भाई शॉप मिलेगी छोटी छोटी, ठीक है, दुकानें मिलेगी जहाँ पर आप पानी ले सकते हो, नमकीन ले सकते हो, माचिस ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मामा इस गेट से टाइम देखो, टाइम कितना हो रहा, टाइम बताओ, टाइम देखो भाई एक बार दिखा दो, एक बार 7, ठीक है भाई 7:37 हो रही है। आओ इस गेट से 7:37 पे चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक रुकते हैं भाई। एक अगर आप एक घोड़ा भी लेते हो तो आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे, वो सिर्फ जाएगा, ठीक है। हेलीकॉप्टर से जाओगे तो 5-6 हज़ार का है, देख लो कितने, मतलब ऐसे बहुत सारे झरने आपको ऊपर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे। देख लो पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है, पहाड़ों में से आ रहा है बिल्कुल। और नीचे खाई है, यहाँ पर तुम देख सकते हो खाई है। मामा मेरे मामा का तो एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी देख लो मेरे मामा कैसे चल रहे हैं, इन्हें तो घोड़ों की जरूरत नहीं है। आई लव यू मामा। हाँ देख लो पैर में चोट है, दिखाओ मामा पैर में चोट है बंदे के, फिर भी हर हर महादेव महादेव। तो ठीक है फिर दोस्तों, मैं आपको मिलता रहूंगा ऐसी किलोमीटर पे, बने रहना व्लॉग में। अभी मैं चढ़ाई कर लेता हूँ कुछ, ठीक है ओके। ऐसी पहाड़ मिलेंगे हर जगह, ऐसी झरने मिलेंगे, नीचे पानी मिलेगा, गंगा जी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि पानी कंटिन्यू चल रहा है ओके। तो ठीक है फिर दोस्तों, हर महादेव। सावधान, पत्थर गिरने का भय है, कृपया सावधान पूर्वक चले, बिना जूते के चढ़ाई मत करना, और जूतों में पीछे ग्रिप एक नंबर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, वरना फिसलने का बहुत ज़्यादा डर लगा रहेगा, ठीक है। ये देखो दोस्तों बीच में एक झरना, जो कि पहाड़ से पानी आ रहा है एकदम झरना, तुम देख सकते हो एक झरना। रास्ता बड़ा अच्छा है, बारिश पड़ रही है, बहुत बेहतरीन रास्ता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हर हर महादेव, शिव शंभू, और आगे बढ़ते रहो, हिम्मत करने वालों को कभी हार नहीं होती, मंजिल पर चढ़ते रहो, मंजिल कभी दूर नहीं होती, क्या बात है भाई। तो गाइस थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, मेरा मामा कह रहा है मुझे भी लेता रहा कैमरे में, वरना मारूंगा बहुत लोग। राम राम जी, राम जी, हर हर महादेव। तो गाइस फाइनली ये चढ़ाई करते हुए यहाँ पर थक गए हैं, और ये थोड़े से यहाँ पर बैठ गए हैं, क्योंकि भाई रेस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और लोग चले आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। क्या होटल हूँ, एक तो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग मत करने दियो। हर हर महादेव। चलो चाय बन गई है, चाय का क्या प्राइस है, चाय का रेट बताओ। 20 रुपए की चाय, 15 रुपए की पानी, ओके। 10 रुपए वाली स्टीम 40 रुपए में, 10 रुपए की बिस्कुट 20 रुपए में। महंगा है थोड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ऊपर भी तो, इसलिए थोड़ा महंगा है। ए भाई, ए भाई, बम बम बोले, हर हर महादेव। लोग आ भाई, हाँ भाई, हाँ वाह। कितने किलोमीटर है ऊपर? 214 किलोमीटर। चलो भाई अब चाय भाई पी के दोस्तों सीधा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब थोड़ी एनर्जी सी आ गई चाय पीने के बाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो आ जाओ, चलो बदल दे जो जज्बा, चलो बाबा जिसके साथ। क्या बात है, रास्ता खतरनाक है आगे,
बम बम बोले, झंडा ऊंचा रहे हमारा, बहुत प्यारा है भाई। वीडियो में आप एक एक चीज देख लोगे, वीडियो हमारे पास है। मेरा चैनल है अंकुश टीवी, उसको सब्सक्राइब करना, यूट्यूब पर हर वीडियो मिलेगी। दोस्तों एक यादगार ही रहेगा कि 15 अगस्त में हमने केदारनाथ की यात्रा पे बीच में फ्लैग हाथ में लेके फोटो वोटो क्लिक कराई थी और फहराया था। तो दोस्तों कंटिन्यू बारिश है, कंटिन्यू जब से चले हैं ना तब से बारिश कंटिन्यू है। तो भाई यहाँ पे सब लोग फोटो क्लिक कराते हुए अपनी, बहुत बढ़िया देख लो कितना अच्छा झरना है दोस्तों। भाई यहाँ तक क्या हवा चलती है, बहुत कड़ी। जय भोले, जय। कुछ भी हो पहाड़ खत्म नहीं हो रहे, जहाँ तक भी देख रहा हूँ ना, सच्चे बादशाह दिमाला। अब इतना इतना है कि दोस्तों एक तो पहाड़ खत्म नहीं हो रहे, ठीक है, पहाड़ पे पहाड़ आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। दूसरी बात कि बारिश नहीं खत्म हो रही है। तो दोस्तों जस्ट अभी यहाँ से भाई हमने लिया है डंडा, ठीक है, डंडा के लिए ऐसे ऐसे चलेंगे पकड़ के सपोर्ट के लिए, क्योंकि अब चढ़ा नहीं जा रहा काफ़ी आगे तक आगे। कितने मिल गए टोटल? बहुत सारे, टोटल तो हम कर ही नहीं सकते कभी भी, ये देख लो तुम। और यहाँ पर सब मावा, ओ भाई यार ये कितनी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है यार, सीरियसली दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है। क्या कह रहे हो? नहीं बताइए। वीडियो बना रहे हैं, व्लॉग, आप भी आओगे। हर हर महादेव, कितनी दूर है महादेव, कितनी दूर है महादेव, बहुत दूर है। अरे यार दोस्तों अब थोड़ी सी मतलब बारिश सी कम हो गई है, ठीक है, नीचे से बहुत ज़्यादा बारिश पड़े जा रही थी, अब थोड़ी हल्की हल्की हुई। यार यार फिर होने लगी है, तो सही है ये, फिर होने लगी है यार। कितने किलोमीटर चल गए? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हम चल चुके हैं। सो गाइस सबसे बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, झरने तो देखे होंगे पर ये बड़ा बेहतरीन झरना लग रहा है मुझे, ठीक है, आवाज़ भी देख लो कितनी खतरनाक है झरने की। भाई और कितनी ऊपर से आ रहा है, कितनी ऊपर से, जब बाहुबली मूवी नहीं थी, बाहुबली मूवी वो याद आ रही है, बाहुबली मूवी ये देखो। पर हम लोग बैठ गए और भाई हमने एक स्ट्रिंग लिया है और एक स्ट्रिंग का रेट भाई इस पे 20 रुपीज़ लिख रहा है यहाँ पर देख लो, और ये हमें 40 रुपये की यहाँ पर मिली है, मतलब ऊपर आकर ना महंगा है, ऊपर आकर ना सारी चीज़ डबल है भाई, सारी चीज़। स्ट्रिंग विस्ट्रिंग पीने के बाद अभी फिर से हम चल दिए यात्रा के लिए। स्ट्रिंग से थोड़ी बहुत एनर्जी तो आती है यार, ऐसा नहीं है एनर्जी नहीं आती, आती है, ये देखो। मस्त लग रहा है दोस्तों, एकदम बढ़िया, आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी पर सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें कहाँ पर जाना है मैं आपको जूम करके दिखाऊं, वहाँ पे ऊपर पहाड़ पे चढ़ना है, ऊपर देखो कितनी कितनी ऊपर है भाई, देखो ये जो है ये पुल के पास आ गया हूँ बिल्कुल। जो बाढ़ आई थी ना उसमें लोग भी बहुत सारे लोग बह गए थे, बहुत ही गंदा सीन हुआ था 2013 में, सबको पता ही है यार। तुम देख लो ये पहाड़, ठीक है, इस पहाड़ के पीछे चलना है, इस पूरे पहाड़ के पीछे भाई केदारनाथ मंदिर है, ये हमें क्रॉस करना है, ठीक है। लोग कर भी रहे हैं, देखो कैसे कैसे कर रहे हैं। अब ये वाला पुल था, ठीक है, पब्लिक उधर की साइड फंस गई थी और ये भाई टूट गया था बीच में से, फिर आर्मी जो हमारी इंडियन आर्मी है ना उन सब ने, हमारी इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट ने फिर उन्हें कैसे कैसे निकाला था सबको ही पता है, सब ने न्यूज़ देखी होगी। तुम देख लो ये है भाई केदारनाथ का खतरनाक रास्ता, वैसे झूल रहा है देखो दोस्तों, हिल रहा है ये, लचकदार है, लचकदार बहुत ज़्यादा हिल रहा है दोस्तों।
भाई यार, देवों के देव महादेव, कहाँ बैठे हो तुम भाई? 8.5 किलोमीटर रह गया केदारनाथ। तो गाइस बहुत ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गया। 8 किलोमीटर वहाँ पर लिखा हुआ था ना, अब मैंने कम से कम 1.5 किलोमीटर कवर कर दिया। तो दोस्तों फिर भाई रास्ते में एक पहाड़ सरका हुआ, जो भैया बता रहे रात में सरक गया था, रात में सरक गया था ऊपर से पहाड़। हाँ भैया, बढ़िया भाई बढ़िया, ठीक हो? हाँ चलो ठीक है, हरियाणा आएंगे कभी। सो गाइस जस्ट अभी हम यहाँ पर आ गए, बस पहुँचने वाले हैं, वहाँ जाके हमें केदारनाथ मंदिर दिख जाएगा। तो दीदी केदारनाथ 2.5 किलोमीटर ये और तक कि भाई यहाँ से दिख जाएगा ऊपर आके मंदिर, यहाँ से भी नहीं दिख रहा। शिव खेला सो के शिव। फाइनली दोस्तों पहुंचने वाले हैं, बस अभी देखो बोले